कोरोना के कहर से हिली ओला 1400 कर्मचारियों की नौकरी। कोरोना के कहर से उद्योग जगत हिल गया है। पहले से डावाडोल चल रही अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के कारण बुरी तरह डगमगा गई है। इसके कारण उबर स्विगी के बाद अब कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला ने राइडर फाइनेंशियल सर्विसेज को और फूड बिजनेस के 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि पिछले दो महीनों में कंपनी के रेवेन्यू में 95% 95% गिरावट आई है। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले दो महीनों में सवारी, वित्तीय सेवाओं और खाद्य कारोबार में उसकी आमदनी 95% घटी है और इसके चलते वह 1400 कर्मचारियों को निकाल रही है। कर्मचारियों को भेजे ईमेल में अग्रवाल ने यह साफ किया कि व्यापार का भविष्य बेहद अस्पष्ट है और अनिश्चित है और निश्चित रूप से संकट का असर हम पर लंबे समय तक रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे उद्योग के लिए वायरस का असर बहुत खराब रहा है। पिछले दो महीनों में हमारी कमाई में 95% की कमी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट में हमारे लाखों ड्राइवर और उनके परिवारों की आजीविका को प्रभावित किया है। अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी ने 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। बता दें कि इसमें पहले ऑनलाइन टैक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनी उबर भी वैश्विक स्तर पर 3000 और नौकरियों में कटौती करने की योजना बना रही है। मई में उबर ने 3700 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया था। उबर ने लगभग 45 कार्यालय स्थानों को बंद करने का प्लान किया है। अगले 12 महीनों में उबर अपने सिंगापुर कार्यालय को भी बंद कर सकता है।